काश्मीर की राजधानी श्रीनगर में 26 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई ये है डल झील। इस झील को श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है। अपनी सुंदरता और विशाल रूप के कारण ये झील दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील के रूप में शुमार है। काश्मीर के मुकुट में गहना होने के साथ साथ ये झील यहाँ के लोगों को रोजगार भी मुहैया करवाती है। पीर पंजाल की पहाड़ियों में बनी हुई इस झील के मुख्य स्रोत हैं वुलर लेक, चश्मिश नाला, निशान नाला, गगरीबल, लोकुट और नागिन नाला। झील के किनारों पर फ्लोटिंग कॉटेज भी बने हुए हैं जिनमें एक अच्छी खासी कीमत देकर रहा जा सकता है। दूर तक फैली हुई इस झील के किनारों पर बैठकर इसकी सुंदरता का मजा लिया जा सकता है। इस झील में चलने वाले शिकारे यहाँ मुख्य आकर्षण का केंद्र हैं। इन शिकारों पर सवारी करके यात्री इनका मजा ले सकते हैं। टूरिज्म के अलावा इन शिकारों का प्रयोग यहाँ के लोग सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए भी करते हैं। इन शिकारों पर शिकारों के मालिकों द्वारा किए गए कलाकृतियों के खूबसूरत नमूने भी देखे जा सकते हैं। इस झील के किनारों पर कई सारे घाट बने हुए हैं। कोई भी यात्री किसी भी घाट पर जाकर अपना शिकारा बुक करवा सकता है। सुबह सुबह पायर से चलकर वहाँ हमने अपने दोस्तों की गाड़ी ली। वहाँ से गाड़ी लेकर हम पहुँचे श्रीनगर। श्रीनगर हम घूम रहे हैं डल लेक में। अभी बात हुई है शिकारे वालों से तो उन्होंने हमें 100-100 रुपए में पर पर्सन शिकारा दे दिया और अब हम खूबसूरत लेक डल लेक घूम रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। चारों तरफ पहाड़ियाँ दिख रही हैं, उधर फुहारे चल रहे हैं और इधर शिकारे घूम रहे हैं। यात्रा के साथ साथ इन शिकारों में खरीदारी करने का अपना ही एक मज़ा है। शिकारों में हम लोग कपड़े का सामान, गहने, लकड़ी का सामान और केसर वगैरह खरीद सकते हैं। यहाँ पर शिकारे की कैटेगरी और घाट के साथ उसका अपना एक रजिस्टर नंबर भी होता है। डल झील में गंदगी ना बढ़े इसलिए प्रशासन ने यहाँ इन मशीनों का इंतजाम किया हुआ है। अप्रैल से नवंबर यहाँ घूमने का सबसे सही वक्त होता है क्योंकि बाकी के महीने ये झील बिल्कुल जम जाती है। To watch best Indian travel documentaries, subscribe to our channel, Film Frame Art.